हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCS 012 ब्लॉक 2 का यूनिट 1। ठीक है, सीक्वेंट एंड सीरीज़। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ए पी पढ़ेंगे, जी पी पढ़ेंगे, एच पी पढ़ेंगे, ए जी पी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ए पी के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख ले रही हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द 18th, 23rd and nth टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि अगर आप ए पी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और एक होता है आपके पास डी। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ए पी ली है। ठीक है, इस ए पी में 7, 11, 15, 19 and 23। तो अगर आपको ये बताना है कि ये एक ए पी है, तो ए पी के लिए ये तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ए इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, 7। अगर हम डी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको ये देखना भी पड़ेगा, अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना इनमें, तभी हम बोलेंगे कि ये ए पी है। जैसे कि अगर इसमें किया मैंने, तो 11 - 7 = 5 आया। अब यहाँ पर करा नेक्स्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पर डी कितना आया, 11 - 7 = 4, 4 होता है ये। ठीक है, और 15 - 11 = 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे 19 और 15 में से माइनस करोगे तो 4 आएगा, 23 में से 19 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब ये क्या है, एक ए पी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी भी मिल गया और ए भी पता चल गया ए क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इसमें से और टर्म्स निकालनी है, जैसे एन की वैल्यू कुछ भी दे रखी होती है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो अभी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 18th टर्म निकालनी है, 23rd टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है, जिसके अंदर ए पी दी है -11, -9, -7 and -5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, 18th टर्म, 23rd टर्म एंड nth टर्म। तो आपको पता है इसके अंदर ए क्या है आपका, ए इज कितना है, -11। ठीक है, डी क्या है आपका, डी कहाँ इससे मिलेगा ना, -9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, और ये माइनस का 11। तो ये कितना हो जाएगा, -9 और प्लस का 11, जो कितना आएगा आपके पास, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो अब आप इसमें से 18th टर्म निकाल सकते हो। जब आप 18th टर्म निकालोगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए 18। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ए 18, या कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है तो इसके लिए लिखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन आपको वैल्यू में दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना 18th, तो ये क्या है हमारी एन, एन की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 18 निकालना है। ए 18 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 18 - 1 एन डी। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता है, ए की वैल्यू हमें पता है -11 प्लस 18 - 1 कितना हो गया, 17, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, है ना, 2, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और 17 - 34। जब आप 34 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 23। तो ये हमारा फर्स्ट, हमारी जो ए 18th है वो निकल गया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ए 23 की, तो ए 23 के लिए ए प्लस 23 - 1 डी। ए हमें पता है कितना है, -11 प्लस 23 - 1 = 22 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -11 + 44, तो ये कितना आएगा आपके पास, 33। तो ये आपको मिल गया ए 23। अब ऐसे ही अगर आपको ए nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म के लिए क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको पता है क्या, -11 एन माइनस वन डी, डी हमें पता है 2, बाकी हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -11, यहाँ प्लस का साइन, तो +2n - 2। अब -11 और -2 कितना हो जाएगा आपके पास, 13, 2n - 13, तो ये आपका निकल गया ए एन टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यहीं पर कर देती हूँ, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच टर्म ऑफ द ए पी, ए पी यहाँ पर दे रखा है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, विल बी
132 मोर, जहाँ पर आपको इस तरह की बात कही जाएगी, मोर या डिफरेंस डिफरेंस निकालने की बात होगी, तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है, मतलब 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वो टर्म है जिसमें अगर मैं 154 को माइनस करूंगी तो मेरे को आंसर 132 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम, कॉमन डिफरेंस जो हमें पता है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, ऑफ द गिवन एपी इज 15, में से 3 गए तो 12। इफ nth टर्म is the required term, क्योंकि हमें nth term ही तो चाहिए, क्योंकि nth term में से अगर हम 54th term को माइनस करें तो भी आपको क्या मिल रहा है, 132 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए एन माइनस ए 54 इक्वल्स टू कितना है, 132। यही आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए एन ऐसी कौन सी टर्म है कि जिसमें से अगर आप ए 54 को माइनस करोगे तो 132 मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, ए एन जो हमारी एन की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको पता है कि ए एन को कैसे लिखते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, माइनस ए 54 आपको पता है, ए 54 कैसे लिखोगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, ए प्लस एन माइनस, एन की वैल्यू कितनी है 54, तो 54 माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास 12, तो उसको अभी हम बाद में लिख लेंगे, 132, ठीक है। अब इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए प्लस, अब यहाँ पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, डी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एन माइनस 1 12 माइनस ए प्लस 54 माइनस ये कर लेते हैं 33, ठीक है, और मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 132, ठीक है, 154th टर्म ही दिया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब a प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12 एन माइनस 12, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का a प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ये माइनस का 53 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 132, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि a से a जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, 12 एन माइनस 12 और यहाँ पर है 53 और 12, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12 और इसमें से 54, ये हमारा कितना है, इस वाली लाइन को ना हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस एन माइनस 1 डी और माइनस a प्लस 54 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 132, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12, तो a प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 रखेंगे तो n माइनस 1 12 माइनस यहाँ पर भी सेम a प्लस, तो इसको हम काट नहीं रहे क्योंकि बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मतलब 54 माइनस 1 नहीं कर रहे, नहीं तो हम यहाँ पर अटक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया 12 इक्वल्स टू 132। अब यहाँ क्या इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा a प्लस 12 एन माइनस 12 और इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a और माइनस का 54 मल्टीप्लाई 12 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 132। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला a इस वाले a से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 12 जो है वो इस वाले 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर है 12n और यहाँ पर है आपके पास बस यहाँ पर 12n ही है, ठीक है, तो इनको हम लिख देंगे 12n माइनस 54 मल्टीप्लाई 12
इक्वल्स टू 132। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इसमें से ना 12 को कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, तो 12 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा 54 इक्वल्स टू 132। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 12 इधर चला जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 54 इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 12, इसको इससे काटेंगे तो ये 11 पे जाएगा, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54, सॉरी n माइनस 54 इक्वल्स टू 11। तो अब n, ये जो हमारा 54 है इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो n की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 11 प्लस 54 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आपको मिल गई। ठीक है, तो ये बोल रहा है दैट्स द 65th टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन द 54th टर्म। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।